सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन द चैनल। सो जैसा आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ विकास। और अभी मैं कुछ वक्त से टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ अपने घर पे, किसी रीजन से, किसी काम से। तो आज मैं मिलने वाला हूँ गुलशन जी से, जिन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है। हाय गाइस, सो दोस्तों, मैं आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं आपके प्यार को लेने और आपके सपोर्ट के लेने। तो आप हमें जो है जरूर से सपोर्ट करें और इन्हें भी जरूर से सपोर्ट करें, क्योंकि हम दोनों का जो आपका सपोर्ट चाहिए और हम सभी को आप सभी का सपोर्ट चाहिए। सो इसलिए आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। और मेरा नाम वैसे गुलशन कुमार हुआ और मैं टेक्निकल बाबू यूट्यूब चैनल से हूँ। तो YouTube पे अगर सर्च करना है तो आप टेक्निकल बाबू के नाम से अभी ने सर्च आप कर सर्च सकते कर हैं। लेना, मैं आपको मिल जाऊंगा। और वहाँ पर जो है आपको काफी तरह के जो है वीडियोस वगैरह मिलेंगे, जैसे कि आगे हम बात करते हैं इनसे। तो आप किस तरह के वीडियोस बनाते हैं अपने? जैसे मैं फिलहाल तो भी टेक टाइप का वीडियो बनाता हूँ, टेक है, इन्फॉर्मेटिव है, जैसे कोई भी सोल्यूशन वगैरह है। फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि जो कमेंट्स में है उसको रेंडमली उठाया जाए, उसमें से उठाकर कोई भी टॉपिक्स को बना लिया जाए। बट कमेंट्स अगर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा टॉपिक्स हम निकाल सकते हैं, जी जैसा हम जी दोनों के लिए बेनिफिट है। जी 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 क्योंकि उससे क्या होता है कि पब्लिक को क्या चाहिए वो पता चलता है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या चाहिए होता है वो पता चलता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसी टाइप के टॉपिक्स के बारे में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको क्या मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल पे आपको टेक रिलेटेड सारे चीज़ मिल जाएंगे, जैसे अनबॉक्सिंग वगैरह हो गया। हम खास करके आपके लिए गिवे जो है रखते रहते हैं, हमने बहुत सारे आईफोन्स के गिवे किए हैं, वो सारे जो है आप जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पे। तो यही हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ सोचते रहते हैं। और आप जिस भी टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर देना दोस्तों, हम जो है आपके लिए अभी बहुत सारे हम लोग आगे भी कोलैब इसी तरह से लाते रहेंगे। आप बस अपना सपोर्ट दिखाते रहना, प्यार दिखाते रहना, हम जो है आपके साथ यूँ ही लगातार बने रहेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किस तरह का जो है मार्केटिंग में भी फोन्स वगैरह का माहौल चल रहा है दोस्तों। अभी हम लोग कुछ देर पहले ये डिसाइड कर रहे थे कि जैसे मार्केट में यार किस टाइप का अभी अधिकतर डिमांड है मार्केट में, फोन मार्केटिंग सबसे हाई पे है। जी क्योंकि फोन जितना जल्दी डेवलप करता है कोई भी चीज़ अभी डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि फोन आपको हर किसी के रोजमर्रे का यूज़ है। और हर कोई सबसे पहले मार्केट में डिमांड क्या होता है फोन का, फोन में रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है रिक्वायरमेंट टॉप नॉच। टॉप नॉच तो सारी कंपनियां दे देंगी, लेकिन लिमिटेशन है एक प्राइस का। जैसे हम लोग दोनों अभी बात कर रहे हैं कि प्राइस के लिए, कि प्राइस कितने मार्केट में लोग अधिकतर पूछते हैं, जो एवरेज मार्केट में प्राइस निकलता है, प्राइस निकलता है 10,000, 50,000, मैक्सिमम जाता है 20,000। 20 से ऊपर हम बहुत से कम ही लोग हैं जो खरीदते हैं। बात सही, 0 to 80% लोग हैं जो 10 से 15 के अंदर में ही सब कुछ चाहते हैं। उनको चाहिए 6 GB RAM और स्टोरेज भी कम से कम 128 GB चाहिए होता है। तो कहने का मतलब कि सारी क्वालिटी आपको भर करके कंपनी नहीं देती, लेकिन फिर भी कंपनी में मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप देख रहे हो कि एक से बढ़ के एक कंपनियाँ आते जा रही हैं। और उसके साथ में ही गुलशन भाई की ऐसा है कि कंपनी तो आ रही है, और पहले नंबर की हर कोई कंपटीशन में कुछ ना कुछ आपको और देने की कोशिश कर रहा है। रही बात सेटिस्फेक्शन की, पर्सनली बात बता रहा हूँ सेटिस्फेक्शन की, कि हम किसी फोन से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं जल्दी फिलहाल, क्योंकि हम लेते हैं तो सामने वाली कंपनी जरूर कुछ ना कुछ नया लेकर के आ जाता आ जाती है। बात तो ऐसे में क्या है ना कि जब भी नया आएगा तो एक बात होती है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। तो वेट नहीं करना चाहिए यार, आपके पास पैसा है, आपको लेना है, मूड बना, दुकान में जाइए खरीद, ऑनलाइन परचेज करना, सीधा जो मॉडल सेलेक्ट कीजिए वो ऑर्डर कीजिए। ऐसा नहीं है। अब रही बात, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे गुलशन भाई कि गेमिंग प्रोसेसर वगैरह, जी जी, तो गेमिंग प्रोसेसर वगैरह अभी जैसे पबजी सब्जी से ज़्यादा मार्केट में बुलेट तो पबजी चल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पबजी मैं भी खेलता हूँ बट अपना एक टाइम है और कुछ फ्रेंड सर्कल के अंदर में रैंडमली ऐसा नहीं खेलता। तो कहने का मतलब है ना कि अभी हम लोग जैसे गेमिंग प्रोसेसर को लेकर के जैसे मार्केट में चल रही थी हाइप चल रही है, मैं अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ K20 Pro है, गेमिंग के लिए सही है। प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को सब कुछ अच्छा लगा। वन प्लस 7T लेने का मूड में था जो अभी, सॉरी, 1+7 Pro लेने का मूड में था मैं, तो उसे मैंने नहीं लिया। रीज़न कि मेरे को सेम कॉन्फ़िगरेशन और प्लस थोड़ी सी उसमें क्या था कि उसमें 90Hz का डिस्प्ले था, तो उसको मैंने तो उसे मैंने पोस्टपोन करके मैंने बोला नहीं यार K20 Pro लेता हूँ। फोन सही है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग जो है, ये फोन अभी मार्केट में भी जिस प्राइस में अवेलेबल है अभी 26,000 के रुपए में अवेलेबल है। एक चीज और इनको मजे की बात बता दूँ, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ना रियली इसी फोन से ही शूट कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, कैमरा की देख सकते हो, 48 MP की कैमरा है इसमें, और जो कि सोनी का IMX586 का जो सेंसर यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि काफी अच्छे जो है आपको पिक्चर क्वालिटी वगैरह दे सकती है। डिटेलिंग काफी अच्छा है, मैं इस फोन से तो फिलहाल सेटिस्फाई हूँ प्राइस के अकॉर्डिंग। वैसे भी मार्केट में
64 मेगापिक्सल की कैमरा एंड 108 मेगापिक्सल की भी कैमरा आ चुके हैं, बट वो सब जो है थोड़े प्राइस के ऊपर चल जाते प्राइस ऊपर ही। और चलो 48 से एक बात और बता दूँ, यहाँ पे 48 मायने नहीं रखता, यहाँ पे मायने रखता सोनी IMX। तो कहने का मतलब 48 मेगापिक्सल मैंने अभी देखा Redmi Note 8। हाँ, अभी Note 8 जो आया हुआ, अभी मैं अपने भैया को गिफ्ट करने के लिए सोच रहा था। जैसा आपने देखा होगा कि मैंने अपने ब्लॉग वाले चैनल पे अपने भाई को गिफ्ट किया है, मैंने S1 Vivo का S1 मैंने गिफ्ट करा। तो उससे पहले मैंने 8 प्रो सोचा था, 8 प्रो या 8 Note 8 दे दूँ, बट मुझे कैमरा जब सामने से देखा तो मेरे को रियली बताऊँ मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस लगा कि आपको बता नहीं देता, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। तो ऐसे में यार बात नहीं बनता है। अच्छा आप बताओ, चलो लोकल, ये हम दोनों का लोकल एरिया है, बट मैं यहाँ पे रहता नहीं, गुलशन भाई पर्टिकुलर यहाँ पे रहते हैं। तो गुलशन भाई आप जरा बताओ इस एरिया में कि किस टाइप का मार्केटिंग है, या हमें इन्फॉर्मेशन अगर ऐसे चैनल पे हम देते हैं तो हमें किस टाइप का चैनल पे अधिकतर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मार्केट की बात की है तो यहाँ पर जैसे कि अभी मार्केटिंग कहीं भी देख लो, ऐसा नहीं है कि ये इसी जगह का अगर आप देखें पार्टिकुलरली तो ऐसा नहीं है। आप कहीं भी देख लो, आजकल जो हो गया है लोग मतलब मार्केट में जाकर खरीदने से ज़्यादा जो है मोबाइल्स वगैरह या कोई भी चीज़ है, अगर वो चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है तो लोग चाहते हैं कि आप वो चीज़ को ऑनलाइन ही परचेज कर लें। अगर आपको नॉर्मल मार्केट में जाने पर वो चीज़ आपको सस्ती मिलती है तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन आजकल जो है लोग सारे जो है ऑनलाइन ही परचेज करने का थिंकिंग रखते हैं। और जैसा कि भाई भी जानते होंगे, भाई भी अगर सामान वगैरह मंगाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही ऑनलाइन ही मंगाते हैं, बिकॉज जो नॉर्मल है जाकर उतना खोजना वगैरह वगैरह बहुत सारे जो है आपको टेंशन हो जाते हैं। अगर आप एक बिजी शेड्यूल के लोग हो, आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए जैसे ऑफिस वाले लोग होते हैं खास करके जो ऑफिस में वर्क करना है, जैसे अब मुझे काम करना होता है, टाइम नहीं है, चलो भाई ऑनलाइन किया 10 मिनट में आगे करते हैं। लेकिन बहुत से यहाँ पे लोग होते हैं ना कि उन्हें हाथ में फील होना कि हाँ भाई फोन कैसा है, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वो लोग जो है कभी कभी जो है मार्केट में जाने के बाद जो है लोग उनको ठग लेते हैं। मेरा ठगने का कहने का मतलब ये है कि आप MRP से 500 प्लस, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सर्च करके वो आप जाओगे मार्केट में तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप वैसे कौन से फ़ोन में, जैसे कि अभी Realme वगैरह का जो भी लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च होता है, जैसे कि एक मंथ के अंदर में जाओगे अगर उसके पास जो फ़ोन लॉन्च हुआ तो उस समय जो है आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसे में कह देते हैं कि दुकान वाले सेम चीज़ करते हैं, वो भी मंगाते हैं, हाँ सेम आना, लेकिन ऑनलाइन में पहले अवेलेबल होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग को मैं सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि वहाँ पर सही रेट में मिल जाता है, क्योंकि पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस, मैंने जो माइक अभी यूज़ कर रहा हूँ मैंने 1550 में मंगाया, जैसे आपने वीडियो में देख रखा होगा टेक वाली वीडियो पे। तो और इसे अगर ऑफलाइन मार्केट में लेते हैं तो ये 2500 का मिलता है जी। मैं ये आपको बड़ा मार्केट के बाद बता दे रहा हूँ, नेहरू प्लेस दिल्ली में जो नेहरू प्लेस है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मार्केटिंग, वहाँ की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे 2500 में मिलता है। यकीन मानो मैं अमेजोन से 1550 रुपये में खरीदा, जैसे इनवॉइस भी मैंने आपको दिखाया था, और कभी कभी तो सेल में लग जाता है तो लगभग 1200-1300 में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। और कार्ड के साथ अगर आप उसको करते हो ऑनलाइन पेमेंट तो उसमें भी और डिस्काउंट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग स्पॉन्सर करते हैं या हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं, अभी जस्ट रिसेंटली हमने परचेज करा है आईवेयर्स का रिएक्टर सनग्लासेस हैं जी। तो उसमें क्या था कि फर्स्ट परचेज में हमें 400 रुपीज़ कैशबैक मिला था, सेकेंड ऑर्डर मार दिए तो उसमें क्या होता है कि डिस्काउंट मिलता रहता है। आपको डिस्काउंट लेने के लिए ऐसा करते हैं कि सेपरेटली एक वीडियो डाल देते हैं डिस्काउंट लेने के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो भी कैसे डिस्काउंट लेना चाहिए हमें ऑनलाइन मार्केटिंग से, कार्ड के द्वारा भी और पैसे हैं, कैश वॉलेट्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा दोस्तों आप जो है डील का वेट किया करो थोड़ा, अगर आप जस्ट सोच रहे हो अभी जैसे कि फ़ोन खरीदने के लिए सोच रहे हो तो देखो कि अगर इस मंथ में जिस मंथ में आप खरीदने वाले हो उस मंथ में अगर कोई डील आने वाला है तो 10 दिन 5 दिन अगर आप वेट कर सकते हो तो कर लो, बिकॉज उससे आपको 1000-2000 का जो है डिफरेंस देखने को मिल जाता है। उससे क्या देखिए सबसे बड़ी बात है ना लाइफ में पेशेंस, मैं हर किसी को सिखाता हूँ, खुद को भी मैं ये चीज़ जानता हूँ कि पेशेंस रखना कितना ज़रूरी है। पेशेंस अगर आप रखते हो ना तो सब कुछ आपको परफेक्ट मिल जाएगा। सही चीज़ भाई का जो भी कहने हैं, भाई के जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, इसलिए मैं जो हूँ इनसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मैं इनके थॉट्स को देखने के बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा अंदर में एनर्जी मिलता है। मैं जब भी अपने भाई यूट्यूबर वगैरह किसी भी लोग को देखता हूँ, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, टेक हो या जो भी हो, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से लोग जो है उत्साहित करते हैं कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, किसी को जो है अगर आप कुछ ज्ञान दे रहे हो तो एक अच्छी बात है। ये चीज़ मिल के मुझे भी अच्छा लगा था। रियली हम लोग मिले थे जस्ट एक दिन पहले, जैसे पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग मिले सर्विस सेंटर में, ये भी अपने बाइक को लेकर के आए थे और मैं भी अपना रेड रॉकेट को लेकर आया था तो सर्विस करवाने के लिए। तो वहीं पे अनफॉर्चुनेटली हम सेटअप देख करके पूछते कि भैया आप यूट्यूबर हो तो
ये पता चला, मुझे भी अच्छा लगा यार कि इस एरिया में कम से कम चलो कोई तो एक और मिला हमारे साथ काम करने वाला। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे दूर दूर तक आप कोई यूट्यूबर्स नहीं है, टिकटॉक पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे लोग, और आप अगर सेटअप लेके घूम रहे हो ना मार्केट में काफी यूनिक हो यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा वियर्ड तो मतलब लगता है लोगों की नजर में थोड़ा सा, अगर लगता सिर्फ है। यहाँ पे लगता है, ऐसा नहीं है कहीं बाहर स्टेडियम चले जाते तो वहाँ पे ऐसे लोग बहुत हैं, जहाँ तो वहाँ पर थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी मिल जाएगी। जहाँ नॉर्मल लगता है ये सब चीज, जैसे जहाँ पर ज्यादा हो रहा है तो वो चीज जो है लोग जो है नॉर्मल उसको वही भी मिलते हैं। अब वही जिस सिटी में हम रह रहे हैं उस सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है यूट्यूबर्स वगैरह जो है बहुत कम है, और होंगे भी तो मतलब आपको मिलेंगे नहीं, ऐसा है। चीज रिक्वेस्ट है कि अभी ना थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, हो रही है जिससे आपको भी दिक्कत होगा देखने में और आप भी बोर हो जाओगे शायद, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग कुछ प्रोसेसर्स वगैरह को लेकर के आपस में बात करने वाले, डिस्कशन करेंगे, तो ये पार्ट टू में आपको मिलेगा, तो ये आपको पार्ट टू में मिल जाएगा, इसलिए कि थोड़ा लंबा ये वीडियो ना जैसे ही डलेगी उसके एक या दो दिन बाद आपको ये वीडियो, हाँ जस्ट अगले डे में आपको मिल जाएगा। तो वैसा क्या होगा आपको देखने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वन बाई वन करके आप। और एक बात, हाँ जो भी आप दो पार्ट बनाने का रीजन भी बता दूं, हम लोग मिलते कम है इसलिए दो पार्ट में हमें शूट करना पड़ रहा है। हाँ और साथ में आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे भी दो पार्ट अवेलेबल होगा, तो वो जो होगा ये वही चीज नहीं बताएंगे हम, दूसरा चीज बताएंगे आपको, ताकि आप दोनों टॉपिक्स अलग होगा और डबल पार्ट में डिस्कशन चलेगा। अभी जैसे कि पहला टॉपिक में हम लोग बात कर लिए कि डिवाइस वगैरह के बारे में, फोन्स वगैरह में क्या मार्केट वगैरह में चल रहा है, एंड आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो सवाल मन में होते हैं वो हमने समझा लिए। अब जो है ये सेकेंड पार्ट जो है आपके लिए लेकर आए हैं, इस पार्ट में हम आपको प्रोसेसर्स वगैरह के बारे में बताने वाले हैं कि 8000 के अंदर में कौन सा बेटर प्रोसेसर है, 10000 के आपको मतलब 20000 या 30000 के लगभग में हम आपको प्रोसेसर जो सबसे बेस्ट होंगे अभी मार्केट में जो चल रहा है उस हिसाब से हम आपको, और एक जो सबसे नया प्रोसेसर आज ही लॉन्च हुआ है या कल लॉन्च हुआ है उस प्रोसेसर के बारे में भी 865। हाँ वैसे मैं बताने वाला नहीं था लेकिन ये भाई जी बता दिए, तो उसके बारे में भी हम नहीं, 865 ऑलरेडी मार्केट में अनवील हो चुका है, तो इसलिए हर किसी को पता चल जाता है, रूमर्स तो पहले ही से आने लगते हैं, तो वो मैं आपको जो है अभी उसके बारे में डिटेलिंग थोड़ा अभी आगे बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, और अगले पार्ट की बात करते हैं, मतलब अगला पार्ट हम लोग शूट करते हैं, आपको अगला पार्ट बस अगले 24 घंटे के अंदर भी मिल और जाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कैसे भी कर दो, ठोक दो, कुछ भी कर दो, मतलब वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे और इनके लिए लाइक का बटन दबाना तो बनता है दोस्तों, और अगर आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव को शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए शेयर का बटन दबाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल, और शेयर कर देना यार, और सिंपल सी बात है, इनका भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टा आईडी दिया हुआ है, तो प्लीज़ इंस्टा पे जाकर के फॉलो कर लेना, चैनल इनका भी चेकआउट कर लेना यार, ये भी अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहते हैं टेक्स रिलेटेड, अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। मेरे पे तो फिलहाल अनबॉक्सिंग आपको दिख रहा है, अनबॉक्सिंग से ज़्यादा भी कुछ देखने को मिलेगा, आप हमारे सब्सक्राइबर हो यार आपको तो पता चली जाना है, कुछ डिस्कशन काफ़ी सारे डिस्कशन हैं जो मैंने दिमाग में भी सेट कर रखा है कि आपको बताना है, जो बेसिकली मार्केट में हर किसी को पता नहीं होता, यूज हर कोई कर रहा है पता नहीं होता है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को करते हैं क्लोज।